ये जो आपके सामने पौधा है, ये है उसका डुम्बिया ट्री, और इसमें फ्रेग्रेंस भी होती है, और इसमें ऑलमोस्ट 3.5 महीने इस तरीके से ही फ्लावरिंग होते हैं। सर्दियों के बाद फ़ौरन ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है, सर्दियों में ही बल्कि स्टार्ट हो जाती है जनवरी से ही। तो ये एक अच्छा बुशी ट्री बनता है। मुझे तो खैर ज़ुकाम है, मुझे इसकी खुशबू नहीं आ रही, लेकिन इसमें खुशबू होती है। तो इसके आप एयर लेयरिंग प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग से ज़रा ज़्यादा ग्रो नहीं होता, फिर भी आप करवा सकते हैं इसके कटिंग से ग्रो। बड़ा इजी प्लांट है, आप पाकिस्तान में कहीं भी इंडिया में है इसको ग्रो करवा सकते हैं इजीली तौर पे। कोई इतना हार्डी प्लांट नहीं है। ये देखें ना, जहाँ पर पानी अच्छा हो वहाँ पर ये एक अच्छा दरख्त बन जाता है। ये नाली के साथ है और एक अच्छा दरख्त बना हुआ है सेहत में, बिल्कुल ईजी टू केयर है। कोई दूसरे प्लांट्स की तरह इसके नखरे नहीं है। फ्लावरिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, प्रोपोगेशन इसकी कैसे करनी है। आप कटिंग के ज़रिए इसकी प्रोपोगेशन सीड्स वगैरह भी बनते हैं, लेकिन कलेक्शन ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है इसके सीड्स की। इसमें और भी वैरायटीज़ होती हैं, पिंक वाली, और भी दो तीन कलर्स हैं। हाइड्रेंजिया की मिलती जुलती चीज़ है ये।